अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, जैसे कि चैप्टर हमारा चल रहा है चैप्टर नंबर 3 इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज़। मैं आपको फर्स्ट ईयर की मैथमेटिक्स समझा रही हूँ। अगर आप किसी भी ग्रुप से रिलेटेड हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप साइंस ग्रुप से, आर्ट्स ग्रुप से या कॉमर्स ग्रुप से रिलेटेड है, तो आपके लिए ये मैथमेटिक्स की वीडियो बहुत हेल्पफुल साबित होगी। तो प्लीज़ मेरी वीडियोज़ को एंड तक देखिएगा। तो अभी मैं प्रीवियस वीडियोज़ में काफ़ी इसकी जो चैप्टर है इंटरेस्ट एंड एन्यूटीज़ की काफ़ी टॉपिक्स में क्लियर करवा चुकी हूँ। अब मैं सेकेंड लास्ट टॉपिक स्टार्ट कर रही हूँ इस वीडियो में, जिसका नाम है इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। आप इस सबसे पहले तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन को रीड करने से ही आपको अंदाजा हो जाएगा कि इसमें कह क्या रहे हैं। देखें, इट हैज़ बीन ऑब्जर्व डेट व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सिमिलरली क्वार्टरली एंड मंथली द इंटरेस्ट अर्न ड्यूरिंग अ ईयर इज ग्रेटर देन इज कंपाउंडेड एनुअली। व्हेन कंपाउंडेड मोर फ्रिक्वेंटली देन एनुअली द एक्चुअल एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉल्ड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसी के साथ इसकी फार्मूला भी देख लेते हैं हम। कह रहे हैं द इफेक्टिव एनुअल इंटरेस्ट रेट कैन बी कंपाउंडेड एज, इस तरह हमें निकालेंगे, किस तरह, ई इज इक्वल्स टू ब्रैकेट 1 प्लस आई एम ब्रैकेट क्लोज एम माइनस का 1, वेयर आई किसे डोनेट कर रहे हैं यहाँ पर, कोटेड और नॉमिनल इंटरेस्ट रेट, डेट इज रेट पर ईयर कंपाउंडेड ईयरली, इससे भी डोनेट कर रहे हैं। क्लियर, ई किसे डोनेट कर रहे हैं यहाँ पे, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, और आई और एम, बाकी एम का तो आपको पता है किसे डोनेट करता है। तो सबसे पहले हम इसकी पहली एग्जांपल को देख लेते हैं कि पहले एग्जांपल में क्या कह रहे हैं, और इसकी पहली और लास्ट एग्जांपल है, इसी में आपको सब क्लियर हो जाएगा टॉपिक। ये कह रहे हैं फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट करेस्पॉन्डिंग टू अ कोटेड रेट ऑफ 8% पर ईयर कंपाउंडेड। अब इसमें इन्होंने 4 हमें वो दी हुई है फाइंड आउट करने के लिए चीज़ें, क्या, फर्स्ट दी हुई एनुअली, सेकंड दी हुई सेमी एनुअली, और थर्ड दी हुई क्वार्टरली, एंड फोर्थ दी हुई मंथली। अब हमें जो ऊपर क्वेश्चन मिला है इसी में हमें तीनों चीज़ें निकालनी है। किस तरह निकालनी है, सबसे पहले हम यहाँ लिखेंगे ए में हमें क्या गिविन है वो लिख देंगे, सही है। सेंस आई इज इक्वल्स टू आई, हमें गिविन क्या है, आई हमें गिविन है 8%। मैंने आपको बताया था के रेट बताएगा, इंटरेस्ट पर रेट, अभी मैंने ऊपर जो डेफिनेशन आपको पढ़ के सुनाई थी। क्लियर, सॉरी, अगर ये 8% है तो अगर हम इसको 8 को डिवाइड करेंगे ज़ाहिर परसेंटेज को हटाने के लिए, तो इसका हमारा आंसर बनेगा 0.08। तो ये तो हो गया हमारा आई। क्लियर, अब हमें एम देखना है, एम हमें क्या गिविन है, अच्छा एम हमें गिविन नहीं है, एम हमें कहाँ से निकालना होगा, हमें अगर हम पहले सॉल्व कर रहे हैं, जैसे हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, हम कर रहे हैं एनुअली किससे डोनेट करेंगे, एम को 1 से, मतलब 1 से इसको डोनेट करेंगे, एनुअली जब भी लिखा हुआ आएगा तो हमें इसको 1 से डोनेट करना है। क्लियर, अब हम इसमें रखेंगे फार्मूला। क्लियर, यहाँ फार्मूला हमारा गया 1 प्लस आई एम ब्रैकेट माइनस का 1। क्लियर, और यहाँ आएगा ब्रैकेट में छोटा सा एम, यहाँ मैं हेडिंग डाल देती हूँ फार्मूले की ताकि मिक्सअप ना हो। ये हो गया हमारा फार्मूला, सही है। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज पुट करेंगे, ई हमें मालूम नहीं है, यानी कि इफेक्टिव इंटरेस्ट हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या करेंगे, 1 तो फार्मूले का है इजीली आ गया, आई हमने क्या निकाला है 0.08 वो आ गया, एम हमें मंथली यानी 1 गिवन है वो आ गया, और यहाँ पर भी एम आ गया 1। क्लियर, और यहाँ आ गया माइनस का 1, सो ये सब फार्मूले का है, और ये जो है ये हमने डेटा में से एडिट करा है। उसके बाद हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हम करेंगे 0.08 डिवाइडेड बाय, अगर हम 1 करेंगे तो हमारा आंसर 0.08 ही रहेगा, तो हम यहाँ क्या करेंगे प्लस 0.08, ठीक, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे 1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ माइनस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, ई लिखकर दोबारा हम इसी के अंदर क्या करेंगे, प्लस कर देंगे 1 को, कैसे, इसमें इसको प्लस करने तो हमारा आंसर हो जाएगा 1.08। क्लियर, माइनस का 1 और ये फार्मूले का 1। अब सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें फार्मूले का 1 ख़त्म करना है। फार्मूले का 1 ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, इसी वैल्यू के अंदर हम कैप लगाएंगे, कैप लगाने के बाद ही जो ये वाला 1 है हम इसको 1 लिख देंगे। अब हम देखेंगे आंसर हमारा वही रहेगा, सही, तो हम यहाँ लिख देंगे 1.08 माइनस का 1। क्लियर, अब हम इसी के अंदर से माइनस का 1 करेंगे, या मैं आपको दोबारा करके दिखा देती हूँ, 0.08 माइनस का 1, सही, इसको हमने माइनस किया तो हमारा आंसर क्या आया, एनुअली का 0.08, ई इज इक्वल्स टू 0.08, ये हो गया हमारा एनुअली।
यानी कि पर ईयर का परसेंटेज हमें निकाले, तो हम इसको इस किस तरह लिखेंगे हम इसको, ये हमारा आया है 8%, कितना आया 8%, तो हम यहाँ लिख देंगे इफेक्टिव रेट, अगर आप चाहे तो पूरा लिख दें वरना ई की सिंबल भी डाल सकते हैं, इफेक्टिव रेट इज इक्वल्स टू 8%, ये आ गया पर ईयर। ये हमने एक निकाल लिया, अब हम इसी के साथ दूसरे की तरफ जाएंगे। सेकंड में हमें क्या निकालना है, यहाँ लिखेंगे हम बी। बी लिखने के बाद हम इसके अंदर क्या जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख देंगे, हमें आई गिवन है, अब मैं आई दोबारा नहीं निकालूंगी, बता देता आपको रेट को किस तरह यानी कि परसेंटेज को ख़त्म करते हैं, तो ये हमने निकाला बता आई। उसके बाद हमें एम बताना है, एम हमें क्या गिवन है, एम, अच्छा अब हम यहाँ देखने वाली बात है, अब हम दोबारा क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी के अंदर हम क्या मालूम करना है, सेमी एनुअली, हमें मालूम करना सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब क्या होता है, यानी कि अगर हम एयर यानी 12th एयर है, अगर हम इसको सेमी एयरली करेंगे, सेमी एनुअली करेंगे, तो ये 6-6 मंथ में डिवाइड होगा, तो ये 2 से डिवाइड करने के बाद 6-6 में होगा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे 2। सही, जब भी सेमी एनुअली का वर्ड आएगा तो आप एम को डिनेट करेंगे 2 से। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे फार्मूला 1+IM(m) माइनस का 1, क्लियर। उसके बाद हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करके इसको सॉल्व करेंगे, 1+0.08 डिवाइडेड बाय 2 माइनस का 1, और ये आ गया m की जगह 2, क्लियर। अब सबसे पहले हम इसके अंदर भी यही काम करेंगे, हम इस बार पूरा ब्रैकेट एक साथ ही सॉल्व कर लेते हैं, डिवाइडेड बाय, पहले हम डिवाइड करेंगे 2 से, हमारा आंसर आया 0.04, उसके अंदर फिर हम प्लस कर लेंगे 1 को, तो हमारे पास आ जाएगा आंसर 1.04, क्लियर। E इज इक्वल्स टू 1.04, ये हमने ब्रैकेट्स को सॉल्व करके बाद निकाल लिया। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमें पावर ऐड करनी है, इसी के अंदर हम क्या करेंगे, यह मैं आपको दोबारा शुरू से करके दिखा देती हूँ, 1.04 लिखेंगे, फिर कैप लगाएंगे, कैप लगा के जो 2 पावर है हमारी हम इसको लिखेंगे, वही हमारा आंसर है ये, क्लियर। अब हम इसके अंदर ही माइनस कर देंगे इस वाले 1 को, तो हमारे पास अंदर आ जाएगा 0.0816, क्लियर। तो अब हमारा इफेक्टिव रेट जो आएगा वो हमारा क्या आएगा, ई इज इक्वल्स टू 8.16, यानी कि ये जो 0.0 है इसकी कोई वैल्यू नहीं, यहाँ पर 1 के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, क्योंकि 1 वैल्यू के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर भी पॉइंट लगाने के बाद जो वैल्यू है वो हमारी परसेंटेज में आ जाएगी, ये हमारी इसका रेशियो निकल गया 8.16, क्लियर। ये हमने दूसरी चीज़ भी फाइंड आउट कर ली। अब हम थर्ड की तरफ जाएंगे, थर्ड हमारा क्या है, क्वार्टरली। तो हम क्वार्टरली के लिए क्या करेंगे, फार्मूला सब में यही पुट होगा, तो हम यहाँ लिखेंगे पहले सी, क्योंकि हम अब सी सॉल्व कर रहे हैं, सी के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो चीज़ हमें गिवन है वो लिख लेंगे, आई हमें गिवन है 0.08 की सूरत में, अब एम हमें यहाँ पे किस लिए गिवन है, यहाँ क्वार्टरली की बात हो रही है, क्वार्टर का मतलब क्या होता है, चौथाई हिस्सा, तो किस तरीके से, फॉर एग्जांपल अगर मंथ में 12 मंथ है, अगर हम उसको 4 से डिवाइड करेंगे तो हर पोर्शन में कितने कितने मंथ आएंगे, 4 मंथ आएंगे, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे, 4 से डिनेट करेंगे, जब भी क्वार्टरली का वर्ड आता है तो हम उसको 4 से ही डिनेट करते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके अंदर फार्मूला ऐड करेंगे, फार्मूला हमारा है 1+IM(m) माइनस 1, क्लियर। अब इसके अंदर वैल्यूज को पुट करेंगे और इसका आंसर निकालेंगे हम, ई इज इक्वल्स टू 1+0.08 यहाँ आ जाएगा 4, और यहाँ पे भी आएगा 4, यहाँ आ जाएगा 1, क्लियर। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, 0.08 डिवाइडेड बाय 4, क्लियर, हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1+0.02, क्लियर, 4 माइनस का 1 इज इक्वल्स टू ई। उसके बाद हमें क्या करना है, इसके अंदर 1 प्लस करना है, 1 प्लस कर दिया, 1 प्लस करने के बाद इसका आंसर हो गया 1.02, और ये आगे 4 की पावर। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट लिखेंगे 1.02, ब्रैकेट क्लोज, कैप लगाएंगे, कैप लगा के क्या करना है हमें, 4 की पावर लिखनी है, आंसर हमारे पास आ गया ये। उसके बाद हम चाहे तो एक स्टेप और बढ़ा लें, वरना एक साथ भी सॉल्व करके लिख सकते हैं 4, अब जो भी वैल्यू है इसके अंदर ही हम क्या करेंगे, माइनस का 1 कर देंगे, अगर हम
तो हमारा आंसर आएगा 0.08243। क्लियर। अगर हम इसको राउंड ऑफ करेंगे यानी कि इसको परसेंटेज की फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, ये वाला 0.8 के बाद आ जाएगा और ये हो जाएगा हमारा 24.3%। क्लियर। ये हमारे क्या हो गया, हमारा इफेक्टिव रेट हो गया। तो अब हम इसके बाद लास्ट वाले टॉपिक की तरफ जाएंगे। लास्ट टॉपिक हमारा क्या है, इसका डी निकालना है, यानी कि डी में हमें क्या कह रहे हैं, वो मंथली। तो सबसे पहले हम इसको टिक करेंगे, उसके बाद हम इसका स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे डी लिखेंगे और वही फार्मूला आई इज इक्वल्स टू 0.08, लेकिन यहाँ मंथली की बात हो रही है। तो मंथली अगर हम यानी कि एक साल में कितने मंथ होते हैं, 12 मंथ होते हैं, ये तो आपको इजीली पता होगा। तो ये 12 से डोनेट करेंगे, उसके बाद अब यहाँ पे हम रखेंगे फार्मूला। ठीक, फार्मूला हमारा है ई इज इक्वल्स टू ब्रेकेट 1 प्लस आई एम ब्रेकेट क्लोज एम माइनस का 1। क्लियर। अब इसके अंदर हम वैल्यूज को पुट कर लेंगे। 1 प्लस 0.08 यहाँ पर आ जाएगा हमारा 12 और यहाँ पे भी हमारा आएगा 12, यहाँ आएगा माइनस का 1। क्लियर। उसके बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले पूरा ब्रैकेट एक साथ सॉल्व कर लेते हैं क्योंकि अभी जगह है बहुत कम। तो लेकिन आप लोग स्टेप बाय स्टेप काम करिएगा। ये देखिए डिवाइडेड बाय मैं क्या करूँगी, 12 करूँगी, ये हमारा आंसर आ गया 6.666। सही है। तो हमारा ये आंसर आ रहा है। इसी के अंदर मैं क्या करूँगी, ये जो हमने इस दोनों को डिवाइड करा, ई एम आई वैल्यू मैंने इसी के अंदर क्या करा, 1 को प्लस कर लिया। 1 को प्लस करने के बाद मेरे पास आंसर आ रहा है कुछ इस तरीके का। अगर आप चाहे तो लिखें, चले मैं लिख देती हूँ 1.00666। यहाँ 12 आ गया, माइनस का 1 आ गया। क्लियर। अब मैं क्या करूँगी, इसी के अंदर ये जो कैप लगा हुआ है, कैप लगा के हम क्या करेंगे, 12 की पावर लिख देंगे। तो हमारा आंसर कुछ इस सूरत में आया। फिर हम क्या करेंगे, इसी के अंदर माइनस करके 1 को माइनस कर देंगे। 1 को माइनस करने के बाद इसका माप फाइनल आंसर आ गया। फाइनल आंसर हमारे पास क्या है, ई इज इक्वल्स टू 0.082। अब देखिए यहाँ 2 है, अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूँगी तो यहाँ मैं 3 कर दूँगी और यहाँ पे 0 लगा दिए यानी 300, क्योंकि यहाँ पे 99 आ रहा है। इसका मतलब क्या, ये 3 की लाइन में चला गया। ये मैंने राउंड ऑफ करके इसकी वैल्यू लिखी है। तो ये हमारा हो गया इसका आंसर। अब अगर हम इसको परसेंटेज की फॉर्म में चेंज करेंगे, इज इक्वल्स टू इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा हमारा, 8.300। इस तरह लिख सकते हैं, सॉरी परसेंटेज की साइन आएगी। क्लियर। 8.3% आएगा इसका आंसर। ये हमने तीनों की परसेंटेज निकाल ली जिस फॉर्म में इन्होंने हमें कही थी। इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुई। आई होप आपको इजीली क्वेश्चन समझ में आएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।